अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलेजी मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही जायकेदार बनती है और इसे आप रोटी, नान, पराठा या तो राइस के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और घर के रेगुलर मसालों से बनी हुई ये कलेजी मसाला आप एक बार बनाओगे तो हर बार आप कलेजी को इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब कलेजी ले ली है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगा दिया था। कलेजी को गुनगुने पानी में भिगाने से कलेजी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है और उसमें से खून, गंदगी वगैरह बहुत ही आसानी से निकल जाती है। और बिना मेहनत के कलेजी इस तरीके से बहुत ही अच्छे से साफ भी हो जाती है। और कलेजी धोने के लिए हमें विनेगर, नमक या तो कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी कलेजी अच्छे से साफ हो गई है। तो अब हम एक कुकर में 2 बड़े चम्मच जितना तेल ले लेंगे और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को इस तरीके से पतला लंबा स्लाइस में काट के डाल देंगे। और प्याज में हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए वहाँ तक हम प्याज को भून लेंगे। तो प्याज का कच्चापन चला जाए और प्याज हमारी इस तरीके से हल्की सी सुनहरी हो जाए उसके बाद हम इसमें कलेजी डाल देंगे। तो इस तरीके से प्याज को भून के हम जब भी कलेजी मसाला बनाते हैं तो हमारी कलेजी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सारी कलेजी हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक और आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। और कलेजी को हमें अच्छे से भून लेना है अदरक लहसुन, हल्दी, नमक, प्याज के साथ। जब कलेजी इस तरीके से भुनी जाती है तो कलेजी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मीडियम गैस की फ्लेम के ऊपर हम इससे आधी से 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। तो कलेजी को हम कुकर में पहले अच्छे से बॉईल कर लेते हैं और फिर हम कलेजी बनाते हैं। तो हमारी कलेजी बहुत ही टेस्टी बनती है और अंदर से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट भी बनती है। तो देखिए, अच्छे से मैंने इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है और कलेजी में से जितना भी पानी रिलीज़ हुआ था वो सारा ड्राई हो गया है और कलेजी भी हमारी मसालों के साथ अच्छे से भून गई है। तो कलेजी को गलाने के लिए हम यहाँ पे 1 बड़ा ग्लास भर के पानी डाल देंगे और इसे एक बार हिला लेंगे और इसमें अच्छे से एक उबाल आ जाए। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आ जाए वहाँ तक हम कलेजी को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 सीटी मैंने कलेजी की ले ली थी, फिर प्रेशर सारा निकल गया। उसके बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। तो देखिए, कलेजी हमारी बहुत ही अच्छे से गल गई है, क्योंकि कलेजी के यहाँ पे मैंने मीडियम पीस रखे थे और प्याज को भी हमने इसमें अच्छे से भून के लिया था, तो प्याज भी यहाँ पे अच्छे से गल गई है। तो ये अदरक लहसुन, हल्दी, नमक और प्याज का ये जो कलेजी का स्टॉक है वो कलेजी बॉईल होने के बाद इतना रहना ही चाहिए, इसलिए हमने कलेजी बॉईल करने के टाइम पे 1 बड़ा ग्लास भर के पानी डाला हुआ था। तो ये जो कलेजी का स्टॉक है वही डाल के हम मसाला भूनेंगे तो हमारी कलेजी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए, हम झटपट से बहुत ही आसानी से कलेजी का मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच जितना तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चापन चला जाए वहाँ तक हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन हमारा अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च मेरी यहाँ पे बहुत तीखी वाली नहीं है, 1.5 चम्मच भर के धनिया जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और ये ड्राई मसाले डाले तब हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब हमें क्या करना है कि इसके मसाले जले नहीं, उसके लिए ये जो कलेजी का स्टॉक हमने बचा के रखा था वही स्टॉक डाल के हम मसाले को भूनेंगे। तो इस तरीके से हम जब मसाला भूनते हैं तो हमारा मसाला बहुत ही अच्छा बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और कलेजी का ये स्टॉक बहुत ही सिंपल है, पर इसमें हमारा अदरक लहसुन प्याज वो भी सारा गला हुआ था और वही स्टॉक डाल के हम ये मसाला भूनते हैं तो हमारी कलेजी मसाला बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा स्टॉक डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ये मसाले को हम भूनते भी जाएंगे और लगातार इसे हिलाते भी जाना है ताकि मसाले हमारे नीचे से चिपक ना जाए। तो देखिए, अच्छे से मेरे मसाले यहाँ पे भून गए हैं। तो अब हम इसमें कलेजी डाल देंगे, पर देखिए अभी भी कलेजी में थोड़ा सा स्टॉक बचा हुआ है, तो पहले हमें अकेली कलेजी ही निकाल लेनी है और मसाले में डाल देनी है, क्योंकि कलेजी को हमें ये मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। तो ये कलेजी को हम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे, तो हमारी कलेजी के अंदर भी बहुत ही अच्छे से मसालों का फ्लेवर बैठ जाता है।
तो देखिए यहाँ पे सारी कलेजी को पहले मैंने निकाल के मसाले में डाल दिया है। अब ये मसालों के साथ हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और जितनी भी हमारे मसालों की अच्छे से भुनाई होगी उतने ही हमारे कलेजी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता जाता है। तो देखिए मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा के या तो कोई भी बाहर से लाने पड़े ऐसे कोई भी मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं। घर के सिंपल मसालों से ही मैंने ये कलेजी मसाला बनाया है और ये तरीके से बनी हुई कलेजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमें इसमें ना तो दही की ज़रूर है, ना तो टमाटर की ज़रूर है और ना ही तो कोई एक्स्ट्रा मसालों की ज़रूर है। बिल्कुल देसी स्टाइल से बनी हुई ये कलेजी मसाला बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसे भून लिया है और तेल इसमें से अच्छे से रिलीज़ हो गया है और भुने हुए मसालों की खुशबू भी बहुत ही अच्छे से आ रही है। तो इस तरीके से सारा पानी इसका ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें हमारा ये जो बाकी स्टॉक बचा हुआ था वो सारा हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए हम इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं डालेंगे, बस ये कलेजी का जो भी बाकी बचा हुआ स्टॉक है वो डाल के हम मसाले की ग्रेवी थोड़ी सेमी थिक हो जाए वहाँ तक हम इसे होने देंगे। तो इसे हम कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। तो देखिए तेल हमारा बहुत ही अच्छे से ऊपर आ गया है और इसकी ये जो ग्रेवी है वो भी हमें ऐसी ही चाहिए, क्योंकि कलेजी की ऐसी ग्रेवी रोटी, नान, पराठा या तो राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से हमारा कलेजी मसाला रेडी हो गया है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके से घर के ही मसालों से बना हुआ आसान तरीके का कलेजी मसाला ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि आपको ये बनाने में बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही कम वक्त में टेस्टफुल कलेजी मसाला हमारा बनके रेडी हो जाता है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही रेसिपी की वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी कुकिंग।